व्हाट्सएप गाईज माय नेम इज रिदेश आई वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस आज हम लोग करने वाले पावर्टी एंड अनुप्लॉयमेंट इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो अगर आपने इसके पहले के तीन वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे पहले जाके वो तीन वीडियोज़ देख लीजिए एंड देन यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एजेंडा फॉर द सेशन वी टू बी कवरिंग ऑल द रिमेनिंग पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमने पावर्ट एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात पिछले वीडियो में भी छेड़ दी थी जहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चार प्लान जो थे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो थे उसके बारे में समझा था एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द प्रोग्राम ऑफ ग्राम उदय से भारत उदय अब उसके अलावा के बाकी जितने भी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमारे सिलेबस में है जो अभी बच्चे हैं डिस्कशन करना वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं फॉर योर कन्वीनियंस एव ऑल्सो एड ए टाइम स्टैम्स तो अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना ही सिर्फ इस वीडियो

तो द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ टू सप्लाई अन इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो हम सबको पता है बट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज ये है कि कुछ घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है कुछ जगह पर नहीं आती राइट right? तो हमें देना है इनको अन इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब दिन रात चौबीस घंटा साल के हर एक दिन हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए नाउ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ना सिर्फ हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ में पहुंचानी है बट इट शुड आल्सो भी अवेलेबल फ़ॉर डोमेस्टिक पर्पजेज़ सो तो डोमेस्टिक हाउसेस में फार्म्स में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है बड़े जो गांव हमारे हैं यहाँ पे लोग इतने अमीर नहीं हैं इनकी परचेजिंग पावर कम रहती है तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी ने सप्लाई करनी है इट शुड बी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स मतलब नॉर्मल रेट से थोड़े कम दामों पर उनको इलेक्ट्रिसिटी देना है सो दैट इन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिलने का दबाव ना बने ये एक प्रेशर नहीं क्रिएट करना है कि हम लोग विलेज में से और पैसा निकाल लें इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके तो उन्हें सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है सो so दैट उस इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिले अब अगर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सब स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स यहाँ पे बनाए हैं सब स्टेशन में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और जगह पे हो सकता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने के लिए हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिक लाइन्स चाहिए प्रॉपर सब चाहिए सो दैट हम और विलेज तक इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट को पहुँचा सके इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने एटीन थाउजेंड को टारगेट किया था और ये जो बिजली इन लोगों को मिलेगी उसके वजह से क्या होगा उस जगह में प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहेंस होने वाली है अब आपको कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्टिविटी कैसे अनहैांस होगी सिंपल सी बात है पहले जहाँ पे मेकनाइज फार्मिंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी आज अगर आप कोई भी मशीन यूज़ करते हो हार्वेस्टर्स थ्रेशर्स या फिर इवन इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग ऑल्सो तो उन सब चीज़ों में उन सारे मशीन्स को रन करने के लिए बिजली चाहिए आज अगर इरीगेशन में भी आप सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हो तो उस पंप को चलाने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा तो फार्मिंग को मॉडर्नाइज कैसे करेंगे राइट right? तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों पे पहुंचानी है साथ साथ इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए जो इक्विपमेंट ये लोग यूज़ करते हैं जिस इक्विपमेंट का यूज़ इनका होता है उस इक्विपमेंट को भी हम लोग कंसेशनल रेट्स पे सब्सिडीज़ के साथ इनको प्रोवाइड करेंगे मतलब आज अगर इन लोगों को सबमोसेबल पम्प लगते हैं वाटर सप्लाई के लिए तो ये सबमोसेबल पम्प्स भी उनको जो है वो डिस्काउंट पे दिए जाएंगे सब्सिडीज़ के साथ दिए जाएंगे एंड हम लोगों को यहाँ पे विलेज लेवल के ऊपर सोलर पावर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना है तो अगर कोई विलेजेस हैं जो सामने से सोलर इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट देगी सब्सिडी देगी ये ना सिर्फ रूरल एरियाज़ में बट इवन अर्बन एरियाज़ में भी हो रहा है राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठोगे ना आपको रियलाइज होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पैटर्न से पढ़ो अगर मेरे पैटर्न से पढ़ोगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा हम लोग दो स्कीम्स के बारे में बात करें वन बंधु कल्याण योजना एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई स्कीम नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पिछले एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी देखा था कि क्या होता है ये राइट पहले हम लोग वन बंधु कल्याण योजना की बात करते हैं वन बंधु वन मतलब फॉरेस्ट बंधु मतलब रहने वाला दोस्त राइट तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं जो ट्राइबल लोग होते हैं ट्राइबल लोगों को हम लोग हमेशा अलग रखें डेवलपमेंटल पाथ में वो हमेशा पीछे रहे हैं राइट तो उनको हमारे अंदर इंक्लूड करने के लिए उनको हमारा बंधु बनाने के लिए जो लोग वन में रहते थे उनके साथ दोस्ती करने उनको बंधु बनाने के लिए हम लोगों को उनको डेवलपमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा वो लोग जो इतने पिछड़े हो चुके हैं उनको हमारे साथ आगे लाना पड़ेगा सो द मेन टारगेट ऑफ यर इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज अब इनको अगर डेवलप करना है तो करेंगे कैसे क्योंकि इन ये लोग ना पढ़े लिखे हैं ना इनको अवेयरनेस है बट इनको बेसिक चीज़ें तो आती है जिनसे वो अपना गुजारा करते हैं सो so हम लोगों का मेन टारगेट ये है कि वो लोग जिस तरीके से सबसिस्टेंस अपना गुजारा करने के लिए फार्मिंग कर रहे थे या अपना गुजारा करने के लिए कैटल रेयरिंग कर रहे थे उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस में कन्वर्ट कर लें तो हमें क्या करना है वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉम्प्रीहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम मतलब इन लोगों के पास हमें कैटल रेयरिंग करवानी है जिसके थ्रू वो डेयरी फार्मिंग को एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सके इन लोगों को डेयरी फार्मिंग करना आता है बट उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए उसमें से कैसे पैसे कमाया जाए वो इनको नहीं आता तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि इन लोगों को हमें सिखाना है कि किस तरीके से आप डेयरी फार्मिंग को एज़ अ प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू कर सकते हो ताकि ये लोग खुद पैसा डेवलप और खुद पैसा कमा सके सेल्फ़ रिलायंट बन जाए और खुद का डेवलपमेंट कर सके राइट तो ये वन बंधु कल्याण योजना की बात हो गई बट ये लोग जो है इनको फार्मिंग भी ट्रेडिशनल तरीके की आती है ये लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग करने वाले लोग हैं तो इन लोगों को क्या सिखाना पड़ेगा नया तरीका फार्मिंग का सिखाना पड़ेगा अब नया तरीका या the latest way of doing farming the most environmentally sensible way of doing farming is organic farming but organic farming karna in logo ko aata nahi hai to inko kya karna padega we have to provide training of organic farming to these people अब organic farming करते वक्त हम लोग उनको training देंगे कि plant कैसे grow करते हैं कौन से कौन से implements आपको यहाँ पे use करने हैं साथ साथ जो इनका output बनेगा इस आउटपुट को किस तरीके से हमें ग्रेडिंग करवाना है पैकेजिंग करवाना है ताकि आप जब मार्केट में जाके इनको बेचो तो किस तरीके से आपको सही दाम मिले उस प्रोडक्ट का ये चीज़ भी उन्हें देखनी है अब जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करने जाते हैं तो उसमें खर्चे भी काफ़ी लगने वाले हैं तो वो खर्चे को कवर करने के लिए हमें उन्हें पैसा फाइनेंस भी सस्ते दामों पर देना है अब जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन लोग के पास से करवाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा जो पहले ये लोग स्लैश एंड बर्न मेथड कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आज एक अच्छा फार्मिंग मेथड यूज़ करना शुरू कर देंगे एज अ रिजल्ट वी विल इन्श्योर एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मोर ओवर जब हम लोग ऑर्गेनिक प्रैक्टिस प्रमोट कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर पर खर्चा कम कर रहे हैं इनका बिकॉज हम लोग इन्हें सब्सिडी दे रहे हैं right? राइट लोगों को ये लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना मतलब थोड़ा महँगा बढ़ जाएगा नए फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स नए सीड्स वगैरह यूज़ करना तो खर्चा लाने का कहाँ से तो बिकॉज गवर्नमेंट ये प्रमोट करी ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो इनका खर्चा कम हो जाएगा एट द सेम टाइम बिकॉज ये ऑर्गेनिक है केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड वाला नहीं है तो सॉइल फर्टिलिटी वापस से एनहेंस हो जाएगी तो ये तीन पर्टिकुलर एम्स है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं अब ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा कामकाज है और इतने आसानी से और इतने ईजीली नहीं होने वाला और इसको समझाने में ट्रेनिंग करवाने में डेवलप करने में मैन पावर को टाइम लगता है जगह चाहिए लोगों को साथ में इकट्ठा करना पड़ेगा सबको समझाना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा तो इस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सामरस हॉस्टल्स एंड आश्रम्स क्रिएट किए हैं जहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उनको डेवलप किया जाता है ओवरऑल तरीके से आई होप आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी ग लुक एट इज़ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम भी बोलते हैं अब जैसे स्कीम का नाम आपको बता रहे हैं लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे कि हम लोगों को विलेज में ग्राम सड़क विलेज में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की स्कीम ये वाली स्कीम है अब यहाँ पे मेजर मुद्दा हमारा ये है कि अलग अलग विलेजेस जो हैं वहाँ पे आउटपुट लोग अपने आप जनरेट कर रहे हैं बट जब तक वो कोलेबोरेटिव एफर्ट नहीं होता तब तक मार्केट तक अच्छा आउटपुट नहीं पहुँच पाता राइट तो अब हर विलेज को अगर हर विलेज अपने एंड से जो काम वो सबसे अच्छा करता है वही करेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक बेनिफिट शेयर भी कर सकते हैं बट उसके लिए सारे विलेजेस का कनेक्टेड होना भी तो ज़रूरी है राइट तो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम हमारा मेन टारगेट ये है दैट हम लोग विलेज के अंदर रोड्स बनाएंगे उन रोड्स को हाईवे से कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू सारे जितने भी हमारे कंट्री में विलेजेस हैं उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे तो जो इन विलेजेस के अंदर फार्मर्स हैं पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मार्केट तक पहुँचाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम दैट जब कंस्ट्रक्शन का काम हो ही रहा है तो साथ साथ हम लोग विलेज लेवल के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स भी करवाना चाहते हैं सो so दैट एक सोशल कॉज को हम लोग प्रमोट कर सकें राइट right? बिकॉज खुले में शौच करना हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा डिजीजेस का कॉज बन जाता है सो इफ वी आर ट्राइंग टू स्पेंड सो मच मनी ऑन डेवलपमेंट ऑफ रोड्स वी शुड ऑल्सो भी हेल्पिंग द विलेजेस टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स सो दैट देर इज अ ग्रेटर और बेटर वे ऑफ सैनिटेशन सैनिटेशन जब तक इम्प्रूव में हुआ तब तक हेल्थ में भी उसके बेनिफिट्स दिखेंगे नाउ मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम लुक एट माँ अन्नपूर्णा योजना में दिस इज़ रियली एन इम्पोर्टेंट स्कीम इसके बारे में डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अब मां अन्नपूर्णा योजना जो है दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड फूड सिक्योरिटी स्कीम फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है रोटी कपड़ा मकान ये तीन हमारे बेसिक नीड्स होते हैं अब आज एक इंसान बिना खाने के रह नहीं सकता और फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री में एक सबसे बड़ा यू में से टारगेट पॉइंट रहा है डेवलपमेंटल गोल रहा है क्योंकि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये पर्टिकुलर स्कीम निकाली थी फॉर द परपज ऑफ इन्श्योरिंग फ़ूड सिक्योरिटी इन द स्टेट गुजरात के अंदर लोगों में फ़ूड सिक्योरिटी बनी रहे जिन जितने लोग हैं उन लोगों को दो दो वक्त का खाना मिल सके अच्छे से वो स्कीम इंश्योर करती है ये स्कीम माँ योजना इन्श्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर पीपल नाउ हाउ डज़ इट डू दिस अब सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन्हें अंत्योदय फैमिलीज़ में क्लासीफाई करते हैं और उन लोगों को राशन कार्ड देते हैं राइट तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है जो हम लोगों ने अंत्योदय फैमिलीज़ जो फर्स्ट वाले पावर्टी वाले लेक्चर में हमने देखा था अंत्योदय फैमिलीज़ को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था उनको हम लोगों ने राशन कार्ड दे रखे थे अब उस राशन कार्ड के थ्रू वो अंत्योदय फैमिलीज़ इस स्कीम का बेनिफिट लेके थर्टी फाइव के जीज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर कर सकते हैं राइट right? अब ये थर्टी फाइव के जीज़ है फॉर वन मंथ फॉर वन फैमिली और ये जो है ये अंत्योदय फैमिलीज़ बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बट अब हम लोग ये देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सिर्फ बिलो पावर्टी लाइन वालों को नहीं है कुछ लोग जो अबव द पावर्टी लाइन है आठ सौ सो सोलह या हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाते हैं पर पर्सन या फिर फोर जीरो एट जीरो या फ़ाइव थाउजेंड से ज़्यादा कमाते हैं एज ए फैमिली ऑफ फ़ाइव वो लोगों को भी तो पैसे की मारामारी है वो लोग पुअर कैटेगरी में नहीं आते बट फूड इनसिक्योर ज़रूर हैं वो लोग उन लोगों को भी अच्छा अच्छे क्वालिटी का खाना दो बार नहीं मिलता तो इन लोगों के लिए खासतौर पे ऐसे फैमिलीज़ को हम लोग क्या करेंगे हम लोग थोड़े बहुत सप्लाइज देंगे एट कंसेशनल रेट बट जिस तरीके से अंत्योदय वाली फैमिलीज को थर्टी फाइव के जीज़ मिल रहे थे ये वाले जो पुअर लोग हैं बट अबव द पॉवर्टी लाइन एज़ वेल एज मिडिल क्लास लोगों को हम लोग कंसेशनल रेट पे सिर्फ पाँच किलो ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे रीज़न अगर पाँच किलो से ज़्यादा कर दिया तो ये लोग इधर से लेंगे पाँच रुपये में और बाहर मतलब इधर से लेंगे दो या तीन रुपये में और मार्केट में जाके उसको महंगे में बेचेंगे धंधा बना लेंगे इस चीज़ को और जो हमारे अंत्योदय फैमिलीज़ हैं उनके लिए स्टॉक कम पड़ जाएगा तो ये जो अगर हम लोग पोअर पोअर क्लास वो आर अबो द पावर्टी लाइन एंड मिडिल क्लास लोगों को अगर हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं तो उनको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सो वी प्रोवाइड देम फाइव के का राशन ऐट कंसेशनल रेट्स अब आप पूछोगे सर कंसेशनल रेट्स का मीनिंग क्या कितना रेट होता है तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग वीट एंड राइस है दो स्टेपल क्रॉप जो हमारे वो प्रोवाइड करते हैं वीट दिया जाता है एट द रेट ऑफ टू रुपीज पर के जी एंड राइस इज़ गिवन एट थ्री रुपीज़ पर के जी अब ये स्कीम का फायदा गुजरात के अंदर थ्री पॉइंट एट टू करोड़ लोग उठाते हैं राइट तो आप सोच सकते हो कि इतने घरों में एटलीस्ट दो वक्त का खाना लोगों को मिल रहा है इसके वजह से फूड सिक्योरिटी इन गुजरात इम्प्रूव हो रही है एंड जब इतना पैसा लोगों का बच रहा है ऑन फूड क्योंकि गवर्नमेंट ये फ्री में दे रही है या गवर्नमेंट सस्ते दाम पे दे रही है तो ये फैमिलीज़ जो उनके पास इनकम बच जाती है उसको बाकी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के लिए हेल्थ केयर के लिए खुद का घर रेंट भरने के लिए सो एज़ अ रिजल्ट बिकॉज आर सेविंग मनी ऑन फूड यू कैन स्पेंड दैट मनी एल्स वेयर टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब जो नेक्स्ट स्कीम हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना अब सांसद का मीनिंग ये होता है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको हम लोग सांसद बोलते हैं और आदर्श ग्राम ग्राम मतलब विलेज एंड आदर्श मतलब आइडियल एक आइडियल विलेज को क्रिएट करना अब एक सांसद एक आइडियल विलेज कैसे क्रिएट करेगा वो इस स्कीम के थ्रू बताया गया है यहाँ पे जो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं देर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वो लोग लोगों के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस राइट तो यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर यूजिंग द सपोर्ट ऑफ एम टू अपलिफ्ट विलेजेस तो जो भी मेबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनका काम रहेगा कि उन्हें एक पर्टिकुलर विलेज अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अडॉप्ट करना है लेकिन ये विलेज ना उनका खुद का होना चाहिए ना उनके इन लॉज का होना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर खुद का होगा तो फिर यार वो अपने ही घर के अंदर उन्हें एजुकेशन हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट वगैरह डेवलप करना है अब जब ये सारी फैसिलिटीज वो लोग डेवलप करेंगे तो उसके वजह से क्या हो जाएगा ये एक मॉडल विलेज बन जाएगा एक आइडियल जिस तरीके से काम किया गया है ना वही काम बाकी हर विलेज में करा जा सके राइट right? जिसके प्रोसेस को रेप्लीकेट किया जा सके जब मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को पूरे इंडिया में रेप्लीकेट करूंगा तो गुजरात मॉडल क्या है गुजरात जितना आगे आया है उनके छत्र छाया में उसी तरीके का डेवलपमेंट पाथ हम लोग बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी हम लोग लेके आएंगे उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एम है ये अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी विलेज को डेवलप करेगा और उसी डेवलपमेंटल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी आसपास के विलेजेस भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं राइट नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ दैट लोग नॉर्मली गाँव को छोड़ना क्यों चाहते हैं क्योंकि गाँव में फैसिलिटीज़ नहीं है गाँव में अपॉर्चुनिटी नहीं है राइट बट अगर हम लोग एक गाँव को एक आदर्श गाँव बना दें राइट एक आइडियल विलेज बना दें जहाँ पे एजुकेशन है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट है राइट तो कोई गांव छोड़ना क्यों चाहेगा बट ये सब करने के लिए हमें पब्लिक असेट्स बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो वही स्कीम गवर्नमेंट ला रही है कि हम लोग आपके विलेज को रहने लायक बना देंगे ताकि आपको विलेज छोड़ के शहर में जाना ही ना पड़े सो द टारगेट ऑफ इज़ टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ़ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हम लोग चाहते ही नहीं है कि विलेज से लोग सिटी में आए क्योंकि तो सिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है बर्डनड है और ये जो गरीब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आते हैं वो लोग रहने के लिए उनके पास घर नहीं होता वो इतने महंगे जगह पे अपना गुजारा नहीं कर सकते दे आर फोर्स टू स्टे इन स्लम्स एंड एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स टू बी इन अ ब्रैकेट ऑफ पॉवर्टी सो रैदर देन लीविंग द विलेज लेट्स मेक विलेज इज अ बेटर प्लेस टू लिव दैट्स द स्कीम ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना मूविंग लुक एट वन मोर इम्पॉर्टेंट स्कीम विच इज मनरेगा जिसको हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोलते हैं अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट इसको राइट टू वर्क भी बोला जाता है ठीक है रिमेंबर दिस राइट टू वर्क राइट अब ये जो हमारा स्कीम है ये है क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें रूरल एरियाज जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है अब बेरोजगारी हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि भाई दिन के थ्री डेज में से कम से कम हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके पास कम से कम पूरे साल में 100 दिन का काम जरूर होगा ये हमारी जिम्मेदारी राइट अब ये जो है गवर्नमेंट करता कैसे है गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर जो भी इंसान रजिस्टर होगा वन पर्सन पर फैमिली का एक अलाउंस दिया जाएगा आपको एक साल में चाहे आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो आपको सौ दिन का रोजगार डेफिनेटली मिलेगा जहाँ पे आप एक दिन में सात घंटे काम करेंगे राइट अब ये जो सौ दिन का रोजगार है इसमें आपको एक फिक्स्ड वेज पेमेंट होगा ऐसा नहीं है कि किसी दिन कुछ ज़्यादा पगार किसी दिन कुछ कम पगार एक ही पगार गवर्नमेंट द्वारा बोला गया पगार आपको मिलेगा अब अगर आपको सौ दिन का जो गारंटी दिया है वो गारंटी का वाला जॉब आपको नहीं मिलता तो भी आपका जो पगार बनता है ना वो पगार आपको मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो काम मिले या ना मिले सात घंटे काम करने को बुलाए या ना बुलाए आपको सौ दिन के हिसाब से जितना आपका पैसा बनता है वो तो आपको मिलने ही वाला है अगर आपने काम किया तो एक डेली वेज की तरह आपको मिलेगा पगार की तरह मिलेगा दिन दिन खत्म होते ही आपको पैसा मिलेगा अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट देगा चाहे जो भी हो जाए आपको सौ दिन का रोजगार डेफिनेटली मिलने वाला है अब आप बोलोगे कि सर ठीक है बात तो ठीक है कि हम लोग जॉब जनरेट करना है बट काम करवाएंगे क्या अब काम भी वैसा ही करवाएंगे जो इन लोगों के काम आएगा हम लोग यहाँ पे विलेज एरिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करवाएंगे जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स पर्सनल वेल्स जो वेल्स होते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए तो वो वेल्स का डीपनिंग कराएंगे लेवलिंग ऑफ लैंड करवाएंगे इंदिरा आवास योजना जो लोगों के रहने की व्यवस्था करवाता है उसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो काम इन लोगों को दिया जाएगा तो ऐसा सारा काम जो कि विलेज लेवल पर ही काम आए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वैसे ही काम इनको दिए जाएंगे और उसी के लिए इनको पगार गवर्नमेंट पे करेगी सो द मेन लॉजिक ऑफ अ इज़ जब आपको एक डेफिनेट वेज पेमेंट मिलेगा सौ दिन का रोजगार आपको पेमेंट मिलने वाला है उसके वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको आप सिक्योर कर लोगे मतलब कम से कम इतना तो गारंटी रहेगा कि सौ दिन का रोजगार मिलने वाला है एट द सेम टाइम आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगा राइट right, बाकी के दिन आप जो काम करना चाहो आप कर सकते हो बट सौ दिन का अश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट आपको देती है थ्रू द स्कीम ऑफ मनरेगा अब नेक्स्ट स्कीम है जिसका नाम है मिशन मंगलम अब ये जो हमारी स्कीम है ये भी गुजरात गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम है जहाँ पे हमारा मेन लॉजिक ये है कि जो रूरल एरिया में जो औरतें हैं रूरल वूमेन उन लोगों को हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे एज अ सेल्फ़ हेल्प ग्रुप जिसको हम लोग सखी मंडल भी कहते हैं अब सेल्फ हेल्प का मीनिंग क्या है आप लोग साथ में मिलो और खुद की हेल्प करो इस प्रॉब्लम से निकलने में अब इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है पावर्टी पावर्टी से निकालने के लिए इनको चाहिए कि इनको कुछ एक तरीके का रोज़गार मिले जहाँ से पैसा कमा सके नाउ दीज पीपल और दीज विमेन स्पेसिफिकली आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इनको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसको यूज करके वो एक छोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जिसके थ्रू वो सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को करके पैसे कमा के खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद का इनकम श्योरिटी और खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके और साथ साथ बिकॉज हम लोग ये औरतों के थ्रू करवा रहे हैं तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी लॉजिक यहाँ पे जुड़ जाएगा सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग किसके लिए दी जा रही है फॉर कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जैसे पापड़ बनाना अचार बनाना अगरबत्ती बनाना ऐसे टाइप के कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो काम होता है वैसे टाइप की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी अगर इसके लिए कोई आपको मशीन वगैरह लगने वाला है तो उसके लिए जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होगी इकोनॉमिक हेल्प होगी वो भी गवर्नमेंट अपने एंड से दे देगी ये सब चीज़ें करके रूरल एरिया में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का खुद को हेल्प करने का एक स्कीम है मिशन मंगलम नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्कीम इज डन वी लुक एट द नेक्स्ट स्कीम विच इज़ दत्तोपन थेंगड़ी कारीगर व्याज सहाय योजना बहुत बड़ा नाम है याद करना पड़ेगा बट कारीगर ब्याज सहाय कारीगर इज़ वर्कर व्याज इज़ इज़ लोन सहाय सपोर्ट तो वर्कर लोन सपोर्ट वाली योजना अब ये है कौन दत्तोपं थेंगड़ी कौन है ये एक आर एस एस के वॉल्टियर हुआ करते थे जिनके रिस्पेक्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया जो कारीगर है कौन से कारीगर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाले जो कारीगर है उन लोगों को व्याज सहाय लोन सपोर्ट दिया जाता था राइट अब ये लोन सपोर्ट क्यों दिया जाता है हैंडी क्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये मैन्यूअल लेबर एम्प्लॉय करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है अब ये इंडस्ट्रीज़ मशीन मेड जो हमारे कपड़े हैं उसके वजह से इनको कंपटीशन बहुत मिलता है राइट right? और इन लोगों की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बंद होने लगी है बट ये विलेज लेवल के ऊपर अभी भी हैंडलूम हो सकता है जहाँ पर बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है बट द प्रॉब्लम इज़ इन लोगों के पास बिज़नेस सेटअप करने के लिए बिज़नेस चलाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है तो अगर इन लोगों को लोन दे दिया जाए तो इन लोगों के पास डेफिनेटली वापस से अच्छा खासा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी है सो थ्रू दिस स्कीम हम लोग इन कारीगर को व्याज सहाय देते हैं मतलब वी विल प्रोवाइड दैम लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट दे कैन गो एंड एंडचेज मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल एंड ऑल द इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज विच विल देन फरदर जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल एरियाज द नेक्स्ट स्कीम इज ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना ग्राम उद्योग उद्योग बिजनेस ग्राम विलेज और विकास इज डेवलपमेंट सो द लॉजिक इज विलेज लेवल पे हमें बिजनेस सेटअप करके डेवलपमेंट लेके आना है तो बेसिक है, इसका एम क्या हो जाएगा वी वॉन्ट टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज सो दैट दे कैन सेटअप देअर ओन इंडस्ट्रीज दैट द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम अब ये करना क्या है इन लोगों को इकोनॉमिक हेल्प दिया जाएगा सब्सिडी दी जाएगी इकोनॉमिक हेल्प मतलब क्या लोन दिया जाएगा सब्सिडी मतलब क्या जो चीज़ें आपको लगती हैं अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी है ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी सो so आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है जो चीज़ बिजनेस चलाने के लिए जो चीज़ें आपको परचेस करनी है वो भी सस्ते दामों पर मिल रही है गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया करके भी एक पर्टिकुलर कैंपेन रन किया है जिसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट पे भी उतना ही फोकस किया जा रहा है तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी लैंड इकोनॉमिक हेल्प इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़ चीपर लोन्स ये सब तो मिल ही रहा है प्लस साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पे भी उतना ही एम्फोसिस किया जा रहा है सो दैट यहाँ पे जो ऑन्टरप्रेनोरियल स्किल है जो एक बिजनेस रन करने की जो स्किल्स होती हैं जो पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज आपको चाहिए वो सब भी गवर्नमेंट अपने एंड से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और ये किसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है एडुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़े लिखे हैं जो केपेबल है जिनके पास स्किल्स हैं एबिलिटीज़ है लेकिन जॉब नहीं है तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो खुद के लिए जॉब बनाओ गवर्नमेंट है सपोर्ट करने के लिए स्कीम के थ्रू राइट सो द लॉजिक ओवर हियर इज आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो सारा सपोर्ट गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है आप इंडस्ट्री सेटअप करो खुद को एम्प्लॉय करो और अपने विलेज लेवल के ऊपर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो बाय क्रिएटिंग दैट इंडस्ट्री दैट्स ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना लेट्स कम टू द नेक्स्ट और द लास्ट टू स्कीम्स छोटे छोटे स्कीम्स है जिसके बारे में हमें देखना है द फर्स्ट स्कीम ओवर योर टॉक्स अबाउट वाजपेई बैंकेबल योजना अब वाजपेयी जी आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं राइट एंड बैंकेबल योजना मतलब बैंकेबल का मीनिंग क्या होता है ट्रस्ट वी आर यू बैंकेबल इनफ कैन आई ट्रस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे डेफिनेटली यू आर राइट सो वेदर यू आर बैंकेबल और नॉट इसका मीनिंग ये कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आप में वो स्किल केपेबलिटी है कि नहीं है राइट right? और अगर नहीं है तो ला देंगे यार इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो सो द मेन लॉजिक ऑफ वेयर इज आई वॉन्ट टू मेक यू बैंकेबल आई वॉन्ट टू मेक यू केपेबल ऑफ जनरेटिंग योर ओन मनी तो इसका भी मेन एम क्या होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब ये इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकते हैं रूरल एज वेल एज अर्बन अनएम्प्लॉयड लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उन तक रोजगार पहुँचाना जो बैंकेबल नहीं है उनको बैंकेबल बनवाना राइट और बैंकेबल कौन लोग होते हैं जो लोग डेफिनेटली लीगल एज के हों तो 18 से 65 फाइव ईयर्स का एज ग्रुप में आपको होना चाहिए और आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है यू शुड भी एजुकेटेड एटलीस्ट इल द फोर्थ स्टैंडर्ड ताकि आपको बेसिक चीज़ें जो है वो समझ में आई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिज डिवाइड करना एटलीस्ट आपको आना चाहिए आइट सो आप थोड़े बहुत अगर पढ़े लिखे हो आपको थोड़ी चीज़ें पता है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो अब लॉजिक ये है कि आपको अगर बेसिक चीज़ें पता है तो उसके ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं ऊपर की जो सारी स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लगती है या फिर एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट को समझने के लिए लगती है वो सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट आपको देखा ट्रेनिंग एक बार आपको मिल जाए उसके बाद आपको बिज़नेस चलाने के लिए पैसा दिया जाएगा और इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाएगा और आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करो खुद की हेल्प करो अपने आसपास विलेज में जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ये है वाजपेयी बैंकेबल योजना उसके बाद लास्ट स्कीम पे आ जाता है विच इज एग्रो बिजनेस पॉलिसी नाउ एज द नेम सजेस्ट एग्रो बिजनेस का मीनिंग क्या है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर जो आउटपुट देता है उसको कुछ इंडस्ट्रीज यूज करती हैं और उस इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर के इनपुट्स को यूज़ करके एक कमर्शियल आउटपुट बनाया जाता है सिंपल बात अगर बताऊँ तो पैडी जो है ये क्रॉप है राइस जो है ये एग्रो प्रोसेसिंग होके बनता है शुगर केन जो है क्रॉप है प्रोसेसिंग होके शुगर और जैगरी बनता है तो ऐसे सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं और इसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है कि उनको 10 लाख जॉब्स क्रिएट करने हैं ये स्कीम को गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च किया था और इन लोगों का यहाँ पे सिर्फ जॉब क्रिएट करने का टारगेट नहीं है बट साथ, साथ इन एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स का जितना भी आउटपुट होता है उसको एक्सपोर्ट करके ये जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इसको एक्सपोर्ट करके इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज कमाना भी इस पर्टिकुलर स्कीम का पॉलिसी है एम है टारगेट है राइट तो आई होप आपको इतने सारे जो पॉइंट्स हैं काफ़ी लंबे वीडियो में हमने कवर किया है बट आई होप आपको समझ में आए जब जब आपको रिवाइज़ करना है इसी वीडियो को टू एक्स स्पीड पे वन पॉइंट फाइव एक्स स्पीड पे लगा के बैठ जाओ अच्छे से देख लो क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे ना समुंदर जितना बड़ा लगेगा बट कंप्लीट नहीं होगा कभी भी चैप्टर राइट right? सो so, वीडियोज़ लगा के बैठ जाया करो एंड एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा शायद आपका थोड़ा बहुत राइट दैट्स क्वेंट बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल लुक एट अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडिया में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है परसेंटेजेस स्टेट वाइज कम्पेरिजन वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे सो दैट्स कौन बी ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच